गल करिए पंजाब च लॉ एंड ऑर्डर की तो उसकी स्थिति बहुत ही खराब है। आए दिन चोरी के वक् वक् वारदातों सामने आउंदियां रहिंदियां हन। आपां गल करें हाँ दीनानगर के दीनानगर विखे चोरों वालों एक सबका फौजी के घर नूं निशाना बनाया गया जिथे तकरीबन 12.5 लाख रुपए की चोरी की गई जिस दे विच नकदी अते सोना आदि शामिल है। घटना संबंधी जानकारी देंदे हुए मकान मालक बलवंत सिंह ने दस्या कि उन्हां दा परिवार बीती रात वो अपनी पत्नी नूं लैण सहुरे परिवार वल गया सी ते पिछों दी चोरों ने आ के ताले तोड़ सोना अते नकदी गायब कर लिती। एक पासे पीड़ित परिवार पुलिस वल्लों चोरों को फड़न की मांग कर रहा है तो दूजे पासे पुलिस कह रही है कि अभी CCTV के आधार के जांच शुरू कर दी है और जल्द ही चोरों को फड़ लवेंगे। पर सवाल यह उठता है कि अक्सर ही चोर CCTV के कैद होते हैं पर पुलिस की सलाखा तो पुछ तो दूर रहते हैं। अक्सर ही चोरों की चोरी के वारदात CCTV कैमरे के रिकॉर्ड हो जाती है पर ज़्यादातर चोर पुलिस के हाथों तो बाहर ही रहते हैं। दीनानगर तो दीपक माणी की रिपोर्ट, लाइव भारत। मैं जी आर्मी रिटायर एक्समैन हाँ तो मेरी फैमिली जी पेके गई हुई तो मैं शाम को किया भी 8 बजे मैं गड्डी कढ़ी घरों तो उन्होंने लैन गया मैं तो रात मैं उत्थे ठहरिया तो दिने फिर गुआढ़िया ने जाने मैंने दसिया मेरे कम वाली आँदी है घर बाहर गेट की चाबी वो कोल ही तो उन्हें जल्द देखा तो घर पूरा खलार पिया देखा पूरी बारियां जिन्नी जो भी है बैड सब तफोले पे ही तो उन्हें फिर सानू गुआढ़िया को फोन कराया तो फिर अं आए तो साढ़े घर का जो भी कोई 24 तोले 25 तोले जो सोना ही तो 50,000 कैश ही तो 10,000 आए 10,000 बेच ही बैसे वो रह गया उन्होंने पता नहीं लगे वो कपड़े जो पाया मशीन में तो आंदे नूं राती रात विच सब कुछ मतलब कि ताले तुले तोड़ के लै गए थे। फोन आया कहते घर चोरी हुई है बलवंत सिंह के घर एक घर नहीं है कोई इंदे तो रात में कोई चोरी कर गया घर इंदे आ के तो वही मौके पर आए हाँ CCTV कैमरे खंगाल रहे हैं कोई भी मतलब एविडेंस सामने आती है तो वो मुताबिक घर भी हमें लियावे।